दो सर 2003 से निपॉन लाइफ इंडिया जो पूर्व में रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से विभिन्न uh, बन गई है उसकी और सुप्रीम बॉडी जो म्यूचुअल फंड्स की है एमफी उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं सबसे ज्यादा सामान्य बात जो मुझे लगती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो एडवाइजरी कमेटी पे है टेक, मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन मनी फॉरन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी आपने हमारे देश का नाम रोशन किया सो वी आर सो प्राउड टू हैव यू यूर सर और हमारे साथ है सोगातु चैटर्जी सर जो चीफ बिजनेस uh, हेड हैं इंडिया के और आकाश uh, सिंह राणा जी जो सीनियर जोनल हेड हैं वेस्ट uh, वेस्ट के तो इन सब चर्चाओं के साथ और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारे पर्सनल पर्सनल फाइनेंस में हाउ टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस पोस्ट कोविड नाइनटीन तो ओवर टू तो यू संदीप सर प्लीज uh, शशांक जी एंड से ग्रुप थैंक यू वेरी मच आज मुझे बुलाने के लिए यहां पे थैंक यू थैंक एंड मुझे मालूम नहीं था कि आज के दिन में आप एक लाख लाइव्स को रोज टच करते हैं एंड okay. सबसे बड़ी बात जो आपने बोली पावर और एजुकेशन ये कंट्री खाली पावर और एजुकेशन से ही चलेगी और आज के दिन में uh, आज सबसे पहले आज ये जो आज हमारा जो चर्चा है कोविड के बारे में बट सबसे पहले तो मैं uh, भगवान से प्रे करूंगा कि आज सब लोग हम सब जो इस टाइम कॉल पे हैं हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स और सारे जानकार सब रहें इस में, में, इस काफी बढ़ चुका है, है, uh, अच्छा है uh, sab आज uh, इस मीटिंग में आए नहीं तो कभी कभी ऐसे एनवायरमेंट में आदमी खुद नेगेटिव हो जाता है सो थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग आई आई थिंक थिंक जैसे अभी बात कर रहे थे ये बहुत मुश्किल टाइम है और डिफरेंट टाइम है मुझे नहीं याद है कभी हमने इतनी मीटिंग्स कभी जूम पे या लैपटॉप्स पे करी हो पहले एंड अब ये नॉर्म बन गया है आज के दिन में अः आज से पहले इसको बड़ा माना जा ये माना जा, जाता था जब तक आप किसी को मिले नहीं इट वॉज पर्सनल टच नहीं था बट आज के दिन में ऐसा लगता है कोई आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में टाइम दे रहा है तो आई थिंक ये और भी अच्छी चीज़ है इसलिए मुश्किल टाइम पे मैं पहले आई थिंक स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज के दिन में ये कोविड के ये एक ऐसी चीज हुई है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि आज के दिन में उसकी रिकवरी भी काफी फास्ट आई है आज बीस पच्चीस रिकवरी भी आ गई है और आज जैसे आज हम इंडियंस हम हमेशा एक चीज़ है हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं आज आज का जो ये जो पूरी दुनिया में ये क्राइसिस चल रहा है इस दुनिया के क्राइसिस की वजह से चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो ये क्राइसिस कोई भी कंट्री क्राइसिस से नहीं बचेगी लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज ये पहले तो सबसे पहले आज के दिन में इंडिया का जो ग्रोथ है मे बी अगले पिछले दस साल या बीस साल का सबसे लोस्ट ग्रोथ आएगा अगले एक साल में जो जी की प्रोजेक्शन जो आ रही है इस टाइम पे मोस्ट मोस्ट अग्रेसिव भी आ रही है दो परसेंट ग्रोथ होगा फिच और एक दो और एजेंसीज ने बल्कि बोला जीरो परसेंट ग्रोथ होगा लेकिन पॉजिटिव ये है कि जी ट्वेंटी की जितनी कंपनी कंट्रीज हैं उसमें खाली हम ही इंडिया ही एक ऐसी कंट्री बची है जिस जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ है तो आज हमारे को ये देखना है कि आगे चल के ये अब कैसे आगे चल के इकोनॉमी चलेगी हमारे को दो चीजें पूरी इस इस टाइम इस, इस पे लगता है इंडिया का जो इस क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे रिलेटिवली थोड़ा कम होगा आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इम्पैक्ट नहीं होगा होगा और हो रहा है मैंने स्टार्टिंग करी कि तीस हजार करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा है और अगले तीन चार क्वार्टर आज के दिन में अच्छे नहीं निकलेंगे आज आज अब निफ्टी ईपीएस का भी देखे आज हमारा अपना इंटरनल एस्टिमेट है अबाउट रिडक्शन होगा आगे चल के ग्लोबल फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस आया हमने 2001 में देखा मार्केट ऑलमोस्ट पचास परसेंट नीचे गई लेकिन उसके अगले साल सौ परसेंट ऊपर गई अगले पांच साल में तीन सौ परसेंट ऊपर गई और अगले दस साल में आठ ऊपर गई सिमिलरली अगर 2008 में भी अब देखिए तो मार्केट uh, 60 परसेंट नीचे गई उसके अगले साल 100 परसेंट ऊपर गई पांच साल में दो ढाई सौ परसेंट ऊपर गई और uh, तो इफेक्टिवली आज हमने ये देखा कि जब भी ये क्राइसिस आता है ये क्राइसिस एक से डेढ़ साल का इम्पेक्ट होता है और ये इस बार भी होगा लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमने जो देखी है कि इन uh, क्राइसिस के बाद दो चीजें चेंज हो जाती हैं एक तो सेक्टर्स चेंज हो जाते हैं कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे hmm? और दूसरा असेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कि कौन सा क्लास बढ़िया करेगा। so, हम आज हमें लगता है कौन सी कंपनीज अच्छा करेंगी या नहीं करेंगी सो so, आज आज सबसे पहले आज हम ये लेके चलते हैं जैसे फाइनेंशियल सेक्टर जिसका अबाउट अबाउट पैंतीस परसेंट का वेटेज है इंडेक्स पे आज हमें लगता है कि आज के दिन में इसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा आज के दिन में जो कंपनीज जिनकी बड़ी बैलेंस शीट बढ़िया है प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनका रिलेटिवली कासा का अमाउंट ज्यादा है वो अच्छा करेंगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर स्मॉल स्मॉल वाले जो कैटेगरी है स्मॉल बैंक्स वगैरह उनको थोड़ा सा आगे चल के मुश्किल आएगा सिमिलरली एन के अंदर भी आ, सेम चीज होगी जहां बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है और जब पैसा बोरो करने का क्षमता um, रखती है कंपनीज आई थिंक वो कंपनीज अच्छा करेंगी बिकॉज इस टाइम पे क्वेश्चन ये नहीं है कि अगला अगले दो क्वार्टर्स का प्रॉफिट क्या आएगा द बिगर क्वेश्चन इज ये कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सर्वाइव करेंगी कैसे पैसा रेस करेंगी और कैसे अपना नया बिजनेस केस बनाएंगी सो so, हमारे को ऐसा लगता है कि आज के दिन में क्योंकि एज फ्रॉम रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टॉक्स के नाम नहीं ले सकते लेकिन जो कंपनीज के पास लिवरेज कम है जिनके पास लिवरेज नहीं है और क्लीन बैलेंस शीट है जिनके पैसा आ, रेज करने की जिनके पास क्षमता है वो कंपनीज आगे चल के और अच्छा करेंगी बैंक्स के अंदर जो बैंक्स जो जिन पे कॉर्पोरेट डिपेंडेंस कम है जिनकी आ, टोटल लेंडिंग जो अभी आपने पीछे देखा काफी बैंक्स थे जिनकी वेरी हाई परसेंटेज ऑफ लेंडिंग कॉर्पोरेट्स की तरफ थी या दस बारह कॉर्पोरेट्स की तरफ था आई थिंक वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा आज आप ये देखेंगे कि उसको मोर रिटेल की तरफ जाएगा ये जो क्राइसिस है ये बड़ा डिफरेंट टाइप का क्राइसिस है इसमें आज शशांक जी ने इंट्रोड्यूस कराया हमें आज एन एक्सपर्ट 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 हम लोग एक्सपर्ट भी अब स्टूडेंट बन गए हैं क्योंकि क्या हो रहा है कि सब सब कुछ चेंज हो रहा है आज तक आ, आज तक हमने यही देखा कि इंडिया में कंजम्पन स्टोरी है आज हमने हमेशा हम कहते थे कि आज के दिन में जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2000 से 3000 4000 जाएगा जैसे जैसे जो बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी काफी जो होगा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होगा तो डिस्क्रिशन स्पेंड का मतलब ये हो गया आदमी जाके थिएटर पे जाएगा ब्रांडेड कपड़ा खरीदेगा रेस्टोरेंट में जाएगा ये सब चीजें होंगी ट्रेवल के ऊपर होगा लेकिन एक बारी के लिए अब ऐसा लगता है कि अगले एक से दो साल जो सबसे बड़ी जो होगी आज के दिन में जो प्रायोरिटी के हिसाब से विल बी सेफ्टी एंड कंजर्व बींग टू कंजर्व कैश सो ऑल ऑफ अ सडन आज के दिन में आज हमें लगता है कि याद लोग जैसे आज कंपनी पी कम्प हो गया आईनॉक्स हो गई जो आज इकतीस मार्च तक तो मई तक तो बंद है लेकिन आज भी अगर मैं को खुद भी जाए वो मुझे नहीं लगता आप या मैं छह महीने के लिए मूवी देखने जाएंगे जब आज 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 डोमिनोजल कॉन्टेक्ट कौं, कौं, लेस फूड इज बी डिलीवर्ड बट आज एक नॉर्मल आदमी में आज वो हिम्मत नहीं है की आई थिंक वो फूड वो चाहे कॉन्टेक्ट बोलिए या जो मर्जी बोलिए कि बाहर का खाना खाने की इसका कहने का मतलब क्या है कि एकदम से टोटल कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हो जाएगा आज के दिन में टोटल एक फैमिली का अप्रोच कंजर्वेटिव हो जाएगा जो आदमी खर्चा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे करता था डिस्क्रिश स्पेंड पे करता था ट्रेवल पे करता था हॉलीडेस पे होता था वो सब बंद हो जाएगा सो so ये चीजें अब बेसिकली अब काफी पैसा वापस अब बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में भी आएगा आज के दिन में मार्केट नीचे जा रहा है मुझे एवरेज करना है आई थिंक हमने देख लिया आज तक का एवरेज वाली क्वेश्चन दी है

Uh, एक महीने के अंदर फार्मा का ट्रेंड हो गया बिकॉज कोरोना वायरस आ गया तो लोग तो तो दवाई दवाई लेंगे दवाई लेंगे तो अच्छा फार्मा सेक्टर अच्छा चलेगा तो सारा पैसा फार्मा में डाल दीजिए आई थिंक थोड़ा सा इसको हमारे को एक डिसिप्लिन वे में चलना पड़ेगा uh, हमारा ओवरऑल व्यू ये है कि uh, अगला साल uh, अगले साल में इक्विटी से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही रखनी चाहिए आई थिंक इक्विटी एज लॉन्ग एज आई थिंक फॉर श्योर अगले साल विल बी म्यूटेड रिटर्न आई थिंक ओवरऑल निफ्टी का भी जो अर्निंग्स होंगी uh, दस बारह परसेंट से ऊपर अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर आप पांच साल के हिसाब से करते हैं तो आई थिंक उसमें आई थिंक पास्ट में हर क्राइसिस ने दिखाया हमारे को जब जब क्राइसिस हुआ तो उसके अगले पांच साल अच्छे होते हैं आज हमने भी अपनी अप्रोच काफी uh, इस टाइम पे जो मोर uh, डिफेंसिव uh, में रहे हैं अभी ये वो टाइम नहीं है कॉल्स uh, लेते हैं ओवरऑल जहां जहां हमारे पास मैंडेट्स स्टॉक्स

हमारे को लगता है समा आई थिंक जो ऑटो पिछले तीन चार साल का ऑटो सेक्टर थोड़ा स्लो चल रहा था ऐसी feeling आती है 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 हमारे को कि 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 हमारा थोड़ा view है to the industry, हमें ये लगता है कि इस पे जो afford कर सकता है, जाके अपनी personal गाड़ी लेना चाहेगा रादर देन uber एंड ओला तो थोड़ा सा एक वो होगा हेल्थ, हेल्थ सेक्टर हमारे को थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है हमारे को लगता है कि नॉर्मली

अभी हम पीछे ऑयल में काफी कुछ देख रहे हैं अपना जो हुआ आजकल तो काफी जोक्स भी ऑयल के बारे में चलता है कि जाओ आप पेट्रोल टैंक बढ़ाओ और आप पेट्रोल पंप वाला आपको दो हजार देता है ये सब फिर से मोमेंट्री होता है ये सब चीजें लेकिन आई थिंक हमारे को लगता है कि ऑयल का ये जो जो, जो रिडक्शन इन प्राइस ओवरऑल इंडिया के लिए हमेशा अच्छा रहता है आज इंडिया हम एक आ, वन मिलियन बैरल हम इंपोर्ट करते हैं

आपने अपना सारा पैसे में क्या करे? मैंने एक ही जवाब दिया मेरा पैसा, 99 .99 में है, और खाली पैसा अगर 10 और 20 साल के हिसाब से लगाया गया मैं कोई उसमें जरूरत नहीं समझता इस टाइम पे मुझे वो एलोकेशन चेंज करनी है बिकॉज अभी थोड़ी मार्केट में भी करेक्शन आ गई तो मैं और बढ़ा दू सो so, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट uh, होगी कि इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आ, आ, बहुत फैशनेबल होता है कभी कभी कि मैंने आठ हजार निफ्टी पे खरीद लिया मैंने इस पे ले लिया मुझे मैंने एवरेज कर लिया बट लॉन्ग रन में देखेंगे इस चीज का कोई फायदा नहीं मिलता सर मैं जी बहुत अच्छी खबर है अपने लिए तो मतलब अपन लोग आराम से छोटे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं संदीप सर आप इतने बड़े लेवल पे होके भी हर आदमी की नीचे निजी चीजों तक पहुंच के उसको टच कर पाते हैं दिस इज काफी प्रशंसनीय मतलब आप हर छोटे आदमी को और बड़े आदमी को बराबर से नाप तोड़ पाते हैं सर वेरी गुड सर अच्छा एक सवाल हमारे को जो हमेशा जहन में काफी दिनों से परेशान कर रहा है कि यस बैंक रातों रात बिल्कुल बंद हो गई एस बिल्कुल एक भगवान श्री राम बन के आई और हनुमान जी की तरह उन्होंने मदद

बट मैं कहूंगा कि आई थिंक मेरे हिसाब से इंडियन बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉग है आई थिंक ये एग्जाम्पल हमेशा आज के दुनिया में ऐसा नहीं है कि आज आ, आ, ओ, हिस्ट्री पिछले 20 साल के अंदर दो चार साल में कोई एक आधा बैंक कोई जाता है तो इसका मतलब ये नहीं बैंकिंग सेक्टर वीक हो गया तो so मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि यस बैंक की वजह से मैं कि पूरा बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है मैं तो इसको ये पॉजिटिव देखना चाहूंगा आज बैंक को बैंक में जो मुझे प्रॉब्लम थी लेकिन सरकार ने उसको डूबने नहीं दिया इसमें ऐसा पॉजिटिव देखता दिखे। 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 तो think, मेरा एक ही, है ही है लेकिन थोड़ा सा ये सेक्टर बैंक से थोड़ा सा जो ये जो बैंक लाइक येस बैंक एंड अदर जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है से, मैं इसमें ऐसा नहीं कुछ इसमें कोई आपके मन में शंका नहीं डालना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में कोई आपको डरना चाहिए सर अभी अभी जैसे हमारे जितने यंगस्टर्स है हमारे ग्रुप के अंदर हम जितने कॉल में हम डेढ़ सौ दो सौ लोग हैं अभी काफी यंगस्टर्स है सर तो इन सबका एक ही प्रश्न होता है कि हमारा कैपिटल फॉर्मुलेशन कैसे करें तो इसके ऊपर आपको क्या सोचना है सर हमारा पूंजी का जो निर्माण हम कहते हैं आज भारत वर्ष में सबसे बड़ी जो कमी है हर एंटरप्रोनर को हर आदमी को ये पूंजी की कमी है फिर पूंजी की कॉस्ट बड़ी भारी होती है एक पट्टी उसे लाओ तो महंगी पड़ती है बैंक के सेक्टर से लाओ तो दस बारह कॉस्ट हो जाती है पूंजी तो का निर्माण का जो बड़ी है, think, uh, ये सबसे पहले एक तो अगले एक डेढ़ लिक्विडिटी का इश्यू रहेगा इतना इजी नहीं रहेगा आज हम सोचें uh, जिस जैसे मैंने पहले बोला आ, आप तो यंगस्टर की बात करेंड कंपनीज का भी जिनकी बैलेंस नहीं उनको मार्केट से पैसा उठाना आसान नहीं रहेगा आज थोड़ा सा ये लिक्विडिटी का इश्यू तो रहेगा I think, uh, ये अगला जो बा, से बारह महीने है थोड़ा जॉब सकते हैं और थोड़ा सा ओवरऑल uh, uh, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा फ्रेश कैपिटल फॉर्मेशन डिस्कशन का ये नहीं है, इस टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल का टाइम है तो बचा के चले, के संभाल के चले आई थिंक ये वो टाइम नहीं है क्योंकि आज के दिन कैपिटल कंजर्व फॉर्मेशन तब होता है जब इकोनॉमी फास्ट ग्रो करती है आ, ये जो भी टाइम चल रहा है अगला तीन से चार क्वार्टर आई वुड से ये वो टाइम नहीं है कोई आदमी को, को नया बिजनेस शुरू करना चाहिए आ, जो है उनको कंजर्व करिए मतलब जैसे आपने पहले आइडिया दिया कि हमें डिजिटाइजेशन नया बिजनेस मतलब हमारे एजुकेशन को हमें डिजिटाइज करना चाहिए रियल स्टेट में कंज्यूमर बेस पे जाना चाहिए पावर इंफ्रा में गवर्नमेंट प्रोसेस पे जाना चाहिए तो बहुत बहुत बढ़िया आपने सर इन चीजों पे गाइडेंस दिया साक्षी दीदी आपका कुछ सवाल नहीं नहीं थैंक यू सो मच सर जितने क्वेश्चन थे हमारे ऑडियंस से भी वो भी आपने बहुत अच्छे से फुलफिल करे सो आई एम सो थैंकफुल इतना इंसाइटफुल और आप इतने आसान वे में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज समझा पाते हो हमको हमारी टीचर्स ने इतने आसान वे में पढ़ाया होता काश बट दो गुड थैंक यू सो मच संदीप सर फॉर बींग विदर्स हियर टूडे एंड थैंक यू एवरी वन फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस सेशन